सिविल स्टेप के इस बेहतरीन मंच पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं योगेश, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारियां बड़े अच्छे से चल रही होंगी और आपकी और आपके परिवार की सेहत अच्छी हो, इसकी मैं और मेरी पूरी जो टीम है वो कामना करती है। तो शुरू करेंगे आज का सेशन दोस्तों 12 सितंबर 2022 का, और शुरुआत में आज का मोटिवेशन। लेकिन उससे पहले जितने भी विद्यार्थी आ चुके हैं, सूरज कुमारी, करिश्मा, रेनू अत्री, नागेंद्र, सुमन बर्धान, कुणाल, भींग पहाड़ी, देवाशीष, मधु, नेक, अंकिता, भावना, हाँ जी, सपना ठाकुर, राहुल कौशल, मुस्कान गुप्ता, इंटेलेक्चुअल हब उना, आईएएस कन्वर, कृष्णा हिमाचली, अक्षय, भरत, कृतु, साहिल, रेनू, विजय, सभी को गुड इवनिंग। सेशन की शुरुआत से पहले चाहूंगा, सेशन अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर दें, और आपने अभी इसे शेयर नहीं किया तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगले 50 मिनट के लिए आप इसे अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हैं, ताकि हिमाचल का हर वो विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो जुड़ सके और अपने करंट अफेयर को और बेहतरीन कर सके। साथ साथ बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी जो दोस्तों जो है गुड इवनिंग। वरुण समरालिया और बरखा धीमान, निकिता, प्रियंका, कविता, विजय, रेनू, साहिल। तो दोस्तों मोटिवेशन है कि भाई जिंदगी में खुश रहना अगर आपका गोल है तो अपने विचारों को हमेशा जो है प्योर रखिए, अपने विचारों को हमेशा अच्छा रखिए, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचें, और दोस्तों जो है अच्छाई हमेशा जो है आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं वो आप तक जरूर जो है वापस पहुंचती है। तो हमेशा जो है हेल्प करें जितना हो सके, ताकि आपको भी जो है किस्मत की फॉर्म वो मिल सके। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल का इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो ज़माना है, इसमें आपकी किस्मत का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बात आपको या मुझे किसी को समझ नहीं आ सकती, रीजन्स क्या हैं, कैसे, क्यों, कब, लेकिन ये नेचर है, कुदरत है दोस्तों, कुछ चीज़ें जो हैं अलसुलझी ही हमेशा रहती हैं। तो शुरू करेंगे आज का सेशन दोस्तों। सबसे पहले आज की एक हेडलाइन, एक एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहूंगा द ट्रिब्यून की, और उसके साथ भाग्य को ही जो है कोसते हैं जो कर्महीन है। बिल्कुल साहिल, कर्म हमें कर्म भी करना चाहिए और दूसरों की सहायता भी जरूर करनी चाहिए। और कविता ठाकुर काफी समय बाद आई हैं, कोई बात नहीं कविता, आपको भी गुड इवनिंग। और भाई सबसे पहले जो है आज का दोस्तों पहली जो न्यूज थी, एक एडवर्टाइजमेंट थी जहां पर दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट जो है वो वहां पर लिख रही है कि वो ट्रिब्यूट कर रही है सारा घड़ी के उन 21 सोल्जर्स को, 36वीं सिख इन्फेंट्री के उन 21 सोल्जर्स को जो कि 1897 में सारा गढ़ी में दोस्तों जो है लगभग 10,000 से ज्यादा अफरीदी, ये पठान थे अफगानिस्तान के, उनसे लड़े थे लगभग 7-8 घंटे तक। 21 जो है इन जवानों ने, 21 सिख सोल्जर्स ने जो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे, उन अफरीदी पठानों को रोक के रखा था। तो भाई ये इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो दोस्तों जंग हुई थी, ये जो लड़ाई हुई थी 1897 में हुई थी, और अभी हम हैं 2022 में। तो आपको जैसे कि पता है दोस्तों, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट भारत से जुड़ा हुआ जिसकी कोई एनिवर्सरी हो, 75, 100, चाहे वो आजादी का अमृत महोत्सव हो, चाहे वो चोरी चोरा इंसिडेंट हो, चाहे वो 71 की जंग की बात हमने की हो, तो वैसे ही अब क्योंकि 125 वर्ष इसके पूरे हो रहे हैं, आज इसके पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, आपके एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो बैटल ऑफ सारागढ़ी है, तो जहां पर ऑलरेडी बता चुका हूं 21 सोल्जर्स, और इन 21 सोल्जर्स को दोस्तों जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे हवलदार ईश्वर सिंह। शायद आपने मूवी देखी हो केसरी मूवी जो है, जिसमें अक्षय कुमार ने ईश्वर सिंह का ही जो रोल है वो अदा किया हुआ है। तो इसमें इनको लगभग 7 घंटे तक ये लड़े दोस्तों नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है जिसको आज दोस्तों बलूचिस्तान बोलते हैं, तो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अब ये एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फोर्ट था जो किसी टाइम पीरियड पे महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह का जो रूल है वो 1849 में खत्म हो चुका था, और उसके बाद यहां पर जो ब्रिटिश इंडिया अफगानिस्तान के रोकने के लिए दोस्तों उन्होंने यहां पर एक रेजिमेंट हमेशा रखी, और ये जो जगह थी जहां पर ये जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी दोस्तों, उसका नाम सारागढ़ी था। जैसे आपको पता है पानीपत में जो जंग हुई उसे हम बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं, ऐसे ही पलासी है, बक्सर है, तो उस जगह के नाम से इसको बैटल ऑफ सारागढ़ी के नाम से ये मशहूर हो गई थी। इसको आज टोटल 125 वर्ष हैं
कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको लेकर भी आप जरूर जो है अपना ध्यान में रखें, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर आज से जुड़ी दोस्तों जो हमारी पहली न्यूज, हिमाचल से जुड़ी न्यूज, और साथ ही साथ हैप्पी लिख रहे हैं कि सर मेरा और शेरे पंजाब का बर्थडे एक ही दिन आता है, 13 नवंबर। बहुत बढ़िया हैप्पी, आपको याद है। और गगन स्ट्राइक हेल्ड इन चंडीगढ़ पुलिस ऑल्सो, साहिल चौधरी लिख रहे हैं, और भाई यहाँ पर बड़े सारे विद्यार्थी और भी बातचीत चल रही। चलिए हम चलते हैं आगे। हिमाचल में सबसे पहला जो प्रश्न है आज वो है कि 26वां एनुअल मशरूम फेयर जो है ये शिमला में हुआ था दोस्तों, और इसका आयोजन हुआ है, और यहाँ पर बताया गया कि जो मशरूम की बड़ी सारी वैरायटीज, उनमें से एक वैरायटी है कोर्डिसेप्स। ये जो कोर्डिसेप्स है दोस्तों, ये इसके बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एंटी एजिंग एंड एंटी ट्यूमर, मतलब भाई ये आपको हमेशा जवान रखती है और आपकी बॉडी में कोई भी ट्यूमर जो है ना हो, उसके लिए जो है इसकी बड़ी सारी हेल्थ जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से लोग इसको जो है हेल्थ प्रॉपर्टी की वजह से भी खाते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दोनों ठीक या दोनों ही गलत हैं? तो बच्चे जो है उत्तर दे रहे हैं, पहला दूसरा कोई तीसरा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है ए है, मतलब पहला गलत है और दूसरा बिल्कुल ठीक। क्योंकि भाई अगर आप देखें मशरूम का कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई फेयर हो, वो कहीं और कैसे हो सकता है एक्सेप्ट, हाँ जी, मशरूम सिटी के। तो मैं जो बात कर रहा हूँ सोलन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो सोलन में इसका आयोजन किया गया था, और इसको दोस्तों जो है इस आयोजन को जो इनोग्रेट किया शिमला के फॉर्मर जो एमपी थे वीरेंद्र कश्यप, इन्होंने इसका जो है इनोग्रेशन किया, और इसमें बड़ी सारी वैरायटीज जो मशरूम से जुड़ी हुई हैं उनको दोस्तों जो है दिखाया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भाई ये जो कल्टीवेशन है, अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों पूरी दुनिया, पूरे प्रोडक्ट दुनिया भर के डिमांड सप्लाई की चेन के ऊपर टिके हैं, तो भाई अगर हम इसकी आने वाले दिनों में लोगों को इसकी मेडिकल जो इंपॉर्टेंस है भाई वो भी बताने में अगर हम सक्षम रहे, हम उन लोगों तक इसकी अवेयरनेस जगा पाए, तो भी जो है फार्मर्स का ये जो कल्टीवेशन है, मशरूम का कल्टीवेशन है, उसको प्रमोट कर पाएगा। इवन कुछ वैरायटीज तो इस तरह की भी रहती हैं दोस्तों जो 1-1 लाख रुपया प्रति किलो, मैं दोबारा से बोल दूं 1 लाख रुपया प्रति किलो तक वो भी बिका करती हैं। कोर्डिसेप्स मशरूम पर्टिकुलरली ड्रू द अटेंशन ऑफ द विजिटर्स। अब क्यों? क्योंकि जैसे हम बात कर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि एंटी एजिंग और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी अपने आप में रखता है। अगर आप लगातार न्यूज देखते हैं तो आज से लगभग 2-3 वर्ष पहले भाई, आपको पता है आजकल मीडिया का जो रुख, कैसी कैसी न्यूज आती है, तो एक बार ऐसी न्यूज थी कि नरेंद्र मोदी के लिए 2 लाख रुपए प्रति किलो वाला मशरूम वियतनाम से मंगाया जाता है, और जिसका वो सेवन करके हमेशा जवान दिखते हैं, एनर्जेटिक दिखते हैं। वो पता नहीं खबर सच थी या झूठ थी, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि भाई अगर आप कोर्डिसेप्स मशरूम का सेवन करते हैं तो इससे आपकी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक और जो है आप कम उम्र के दिखते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं जिक्र करना चाहूंगा, सैटरडे को हमने पढ़ा था लद्दाख के बारे में। लद्दाख भी भारत की पहली यूटी होगी जो पूरी तरह से जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है वहां पर होगा, और वहां पर सबसे पहली जो फसल है पूरी तरह से जो ऑर्गेनिक, जिसका वो कल्टीवेशन करने वाले हैं, वो मशरूम ही है। अगर आपको याद हो भाई, उनके किसानों को भी एक ट्रेनिंग जो है दिलाने के लिए यूटी की जो गवर्नमेंट है वहां की, वो सोलन ही भेजने वाली है, जहां पर मशरूम रिसर्च सेंटर में उनको रखा जाएगा और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि सर मशरूम्स डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च जो है वो चंबाघाट सोलन में है, और यहाँ पर जो है गुच्छी की सब्जी सैप्रून वैली सोलन, और भाई जो है जिन्हें बी लगाया उन्होंने धोखा नहीं, असत्य पूछा गया था, और गुच्छी मशरूम जो है मजाथली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इलेक्ट्रॉनिक सिटी सोलन, और भी बहुत सारियां खूबियां साथ साथ बताई जा रही हैं। और साहिल चौधरी तो बोल रहे हैं कि मुझे मशरूम वैसे भी काफी पसंद हैं। चलिए, और मेरी पड़ोस वाली अंटी को एडवाइस दूंगा मशरूम खाने की। हाँ जी, चलिए दूसरा जो प्रश्न है वो है प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना। भाई ये जो है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करती है, और 2022-23 वर्ष के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 20,000 जो एकड़ है वो इस योजना के तहत दोस्तों जमीन को लेकर आना है। तो भाई इस जो है नाम से बड़ा क्लियर है, मोटिव यही है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर किसानों के इनकम को डबल करना है, ज्यादा करना है, तो भाई हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी मार्केट में दोस्तों डिमांड, खास तौर पे जिनकी मेडिकल बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे एग्रीकल्चर फूड की ही बात ले लीजिए, लगभग 2-3 गुना ज्यादा
उनकी जो सब्जियां हैं ऑर्गेनिक वो बिका करती हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी चाहती है कि हेल्थ भी लोगों की अच्छी हो, साथ ही साथ फार्मर्स को उनका पैसा भी अच्छा बन सके। लेकिन यहां पर हम बात करें, करेक्ट सिर्फ और सिर्फ पहला है, क्योंकि यहां पर जो टारगेट है 20,000 एकड़ का नहीं दोस्तों, ये जो टारगेट है 50,000 एकड़ का है स्टेट गवर्नमेंट का, जिससे वो इस योजना के तहत प्राकृत खेती कुशाल योजना। अब देखिए, एक तो आप पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे तो आपकी खेती का खर्चा भी कम होगा, और दूसरी तरफ आपकी जो सब्जियां हैं, आपके जो फ्रूट्स हैं, उनकी कीमतें भी ज्यादा होंगी। तो भाई इस पर्पज से है इस योजना को कुछ वर्ष पहले दोस्तों जाइका के साथ। अब जाइका क्या है, अगर किसी विद्यार्थी को इसका फुल फॉर्म पता है तो जल्दी से बता दें, जापान की एक एजेंसी है, इसके सहयोग से जो है हिमाचल प्रदेश में जो है इस योजना को आगे लेकर जाया जा रहा है। इवन भाई इस वक्त जब हम, मैं कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि भाई जो लगभग लगभग 91 रुपये का सेब शिमला में या आसपास के इलाके में बिकता है, वही जो सेब है दोस्तों 80-90 रुपये का 490 से भी ज्यादा रुपये में दिल्ली में बिकता है। तो भाई अब जो है जो इस तरह की जो योजनाएं हैं, इससे किसानों को भी बेहतर जो है वो प्राइस मिल सके, इस रीजन से इसको जाइका के सहयोग से, जिसका फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, भाई भारत भूषण ने सबसे पहले बताया, और इसके पहले प्रवीण केदारता ने भी, सपना ठाकुर ने भी बताया था, बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों इसके सहयोग से योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की जा रही है। तो इसके साथ हमारा जो है भाई ये दूसरा सेक्शन, पहले में हमने हेडलाइंस पढ़ी, दूसरे में हिमाचल स्पेशल पढ़ा, तो अब हम तीसरे सेक्शन की तरफ है मूव ऑन करेंगे, जहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बहुत सारी जो न्यूज है पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा यहां तक सब कुछ अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, और आया है तो ऑल क्लियर लिख दीजिए सूरज गुलेरिया की तरह। साथ ही साथ सेशन को भाई अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और इसे शेयर भी साथ साथ है आप जरूर कर दिया कीजिए। बहुत ही बढ़िया भरत भूषण, आपको पल्ली विलेज भी याद आया, कार्बन न्यूट्रल विलेज, और भी बहुत सारी जो है बातें स्टूडेंट्स साथ साथ लिख रहे हैं। वैसे कई दिन से देख रहा हूं बहुत सारे विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखा करते थे, वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं गुम हो चुके हैं। वैसे कुछ हैं भी जिसमें से भरत भूषण है या सपना ठाकुर है, लेकिन वो भी अब मुझे लगता है कि भाई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं या फिर जो पहले से जुड़े हैं, उस रीत को भी दोबारा से शुरू करें, ताकि भाई आपकी रिविजन भी साथ साथ हो सके। तो चलेंगे आपसे जो है दोस्तों अगले सेक्शन में, और यहाँ पर जो है हाँ जी एसी मतलब ऑल क्लियर सर। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा पहला, भारतीय जो रेलवे है दोस्तों, उसका अगस्त मतलब टिल अगस्त 2022 तक जो है रेवेन्यू है इस वर्ष वो ग्रो हुआ है 38%, और ये जो रेवेन्यू है दोस्तों जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसमें भी देखा गया कि लगभग 116% का इंक्रीज आया एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो भाई ये जो है दूसरा पॉइंट है, ठीक है, कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार ज्यादा लोग सवारी कर रहे हैं। मुझे एक तो उसका रीजन ये भी लगता है कि लास्ट ईयर दोस्तों काफी महीने कोविड की वजह से ट्रेन चली भी नहीं, और अगर चली थी तो लोगों को थोड़ी जो है डर भी था कि भाई कोविड का किसी तरह से वो ग्रस्त ना हो जाए। तो यहां पर देखें दोनों पॉइंट्स हैं दोस्तों इससे जुड़े हुए, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम रुपीज में बात करें, ओवरऑल जो रेवेन्यू है इस साल तक का दोस्तों वो 95,486 करोड़ रुपीज है, और जो कि इंक्रीज ऑफ 26,027 मतलब जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले 26,271 जो करोड़ रुपया ज्यादा है। तो इतना फायदा मिला है इंडियन रेलवे को, अगर अगस्त तक का पूरा हम आंकड़े कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है, द ग्रोथ फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस रिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैज बीन शार्पर देन द सेम इन द पैसेंजर एंड सर्बन ट्रेन। तो भाई जो लंबी दूरी की जो ट्रेन है वहां पर भी लोगों का सफर करने का जो दोस्तों प्रायोरिटीज है वो रेलवे बनी है, जिस वजह से जो है रेलवे की रेवेन्यूज भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। तो मुझे लगता है जिस तरह से भारतीय रेलवे इंप्रूवमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोस्तों, फैसिलिटीज पर, और उस और दूसरा तीसरा जो है उससे भी जो इंपॉर्टेंट है कि भाई उसको प्रमोट करने में सक्षम रही है, लोगों तक ये पहुंचाने में जो है कामयाब रही है कि यहाँ का जो सफर है बेहतरीन सफर है, उस वजह से भी ये जो रीजन है लगते हैं। और भाई 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो लाभ है पिछले साल के कंपैरिजन अभी तक रेलवे कमा पाई है, और अभी तो 3-4 महीने जो है पड़े हैं, क्योंकि आप देखते हैं खासतौर पे दिवाली के आसपास लोग बड़ा सफर करते हैं, अपने घरों तक जो है वापस आते हैं, और ये भी जो फेस्टिवल सीजन है तो यहाँ पर और ज्यादा जो है बुकिंग्स और ज्यादा पैसा आने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये केरला से जुड़ा है, बहुत बढ़िया, कवच एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी जो है, वेरी गुड।
और फिर 400 वंदे मातरम भारत ट्रेन जो बजट में बात हुई थी, आज हमारे यहाँ पर एक नई पैसेंजर ट्रेन रुकने लगी है। देवाशीष ने भी जो है भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तभी आने लगे, बहुत ही बढ़िया। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रेसिडेंट से है, तो भाई प्रेसिडेंट से सबसे पहले तो याद आया भाई, दो चीजें याद आ गई। एक तो भाई कुछ दिन पहले हमने टीबी का किया था, इस न्यूज को पढ़ने से पहले बता दूं टीबी को 2025 तक पूरा करने। लेकिन उससे भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है आज। अब इंटरेस्टिंग न्यूज क्या है, अगर आप राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो भाई आपको जरूर ये जो न्यूज है बड़ी चटपटी और बड़ा मजा आएगा सुन के। अब न्यूज क्या है भाई, न्यूज ये है कि भी प्रेसिडेंट ने दोस्तों जो है आज एक मेंबर को नॉमिनेट किया है राज्यसभा के लिए। अब वो जो है नॉमिनेशन क्या, आप सभी को पता होगा कि हमारी राज्यसभा में 12 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कोई सोशल सर्विस, कोई दोस्तों स्पोर्ट्स, कोई जो है आर्ट एंड कल्चर। तो राष्ट्रपति के पास हमेशा जो है 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट कर सकती है 2 साल के बाद, और जो भी उसे केंद्र सरकार है नॉमिनेट करेगी, जो उसे जो है रिकमेंड करेगी। तो आज जो नए मेंबर जो हैं वो जो रिकमेंड किए गए हैं, इशिता, हाँ जी ठीक है, नाम आपका जो है बड़ा खूबसूरत है। और भाई जो हम जो बात कर रहे थे, हमारी जो है दोस्तों गुलाम नबी आजाद, गुलाम नबी जो आजाद है इनको जो है वो उन्होंने नॉमिनेट किया है। और भाई ये कुछ ही दिन पहले कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देकर अपनी अलग पार्टी बनाने का उन्होंने निर्णय लिया था, और उनकी इस्तीफे से कुछ ही दिन पहले उनकी राज्यसभा की मेंबरशिप जो है वो टेन्योर कंप्लीट हुई थी। और उसके जो बाद है अब वो मतलब बीजेपी की तरफ से नहीं, लेकिन आप कह लीजिए बीजेपी ने ही रिकमेंड किया राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने ही गुलाम नबी आजाद को जो है आज मेंबर है वो घोषित कर दिया। तो भाई पॉलिटिकल जो है अगर आप थोड़ा बहुत सोचते हैं, जानकारी रखते हैं, तो बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। और हाँ जी, तो बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर जो है एंग्लो इंडियन जो है वो अब खत्म हो चुके हैं सपना ठाकुर, जो लोकसभा में हुआ करते थे किसी टाइम पीरियड में। और मोदी जी कुछ भी कुछ बड़ा करेंगे, हाँ जी कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ने इनोग्रेट किया है मैसूरू दशहरा, दशहरा फेस्टिवल, दशहरा है ना कुछ लग रहा है दशहरे से जुड़ा होगा। और ये जो दशहरा है ये 10 दिन का फेस्टिवल है जो विजयदशमी के दिन शुरुआत हो रही है, जिसकी विजयदशमी मतलब भाई जिस दिन श्री राम ने जो है 10 सिर वाला रावण है मार दिया था। तो यहां पर इनकरेक्ट बताएंगे, पहला दूसरा दोनों ठीक या दोनों गलत है, इसमें से जल्दी से उत्तर दें इसका। और भाई इसका जो उत्तर है इनकरेक्ट मतलब दूसरा इनकरेक्ट है, पहला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और भाई मैसूरू दशहरा, तो सबसे पहले तो ये क्लियर है भाई, ये मैसूर का दोस्तों फोर्ट है जहां के आसपास 10 दिन का ये जो आयोजन है दोस्तों मेला है, 26 सितंबर से 5 अक्टूबर है वो जो है इस बार सेलिब्रेट किया जाएगा। तो भाई ये जब हम बात कर रहे थे विजयदशमी की वो गलत था। अब क्यों गलत था, अब प्रेसिडेंट विल ऑफर प्रेज एट द चामुंड, यहां पर ये मंदिर है दोस्तों चामुंडा ईश्वरी टेंपल एट द टॉप चामुंडी हिल्स, मैसूर के पास ही है। और भाई वहां से जो है इसकी शुरुआत की गई है, वहां पर उन्होंने जो है लोगों की अच्छाई के लिए पूजा अर्चना की। और ये एक रॉयल फेस्टिवल है जो कि भाई सच्चाई की जो जीत के जो है सेलिब्रेशन में उसके उपलक्ष में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड लेजेंड दैट इट्स गोडेसेस चामुंडेश्वरी और दुर्गा स्लू द डेमन महिषासुरन ऑन द विजयदशमी डे। तो भाई इनका लेकिन रीजन रामायण का जो रीजन नहीं है, जिस वजह से उत्तर भारत में हम विजयदशमी करते हैं, लेकिन दोस्तों इनका कि वहां पर जो देवी दुर्गा थी या फिर जो है देवी चामुंडेश्वरी थी, इसने महिषासुर का जो है वो नाश किया था, उसको खत्म किया था विजयदशमी के दिन। और ये 10 दिवस, लेकिन दोस्तों ये उस दिन खत्म हो जाया करता है, आप यहां से समझ सकते थे दशहरा इस दिन जो है 5 अक्टूबर का, उस दिन इसको खत्म हो जाया करता है और 26 सितंबर को है इसकी शुरुआत होगी। और इसकी जो शुरुआत है वहां पर दोस्तों जो है द्रौपदी मुर्मू के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बुमई भी जो है साथ थे, जिनके साथ जो है उन्होंने इस आयोजन की है शुभारंभ है वो किया था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको याद हो, हमने जब फ्राइडे को सैटरडे को पढ़ा था एक और फेस्टिवल की बात की थी जो तेलंगाना में, और भारत का वो दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल है ट्राइबल फेस्टिवल, तो वही वो जो जनवरी फरवरी के महीने में आयोजन किया जाता है उसका अगर आपको नाम याद हो तो वो भी साथ साथ है जरूर बताएं। और इंटरनेशनल योगा डे 2022 भी इस बार मैसूरू में ही नरेंद्र मोदी जी ने जो है दोस्तों वो किया था, और बाबा रामदेव ने किया मानसी, यहाँ पर जो है भाई यहाँ पर मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों इसकी अनाउंसमेंट की थी
बहुत ही बढ़िया। और मेदाराम जतारा का भी नाम जो बच्चे ले रहे हैं, नीक सिंह, विजय, दीक्षय, मनिंदर, बहुत ही बढ़िया। तो इसका नाम आपने जान ही लिया और बेसिक सी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको जरूर है, पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ। राजस्थान गवर्नमेंट के दोस्तों, मतलब क्वेश्चन में राजस्थान गवर्नमेंट लिखा है, अब पता नहीं वो राजस्थान से जुड़े कि नहीं, लेकिन अब राजस्थान लिखा है तो मैं आपको एक और न्यूज बता दूं। दोस्तों आप सभी ने मनरेगा का नाम तो जरूर सुना होगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप सोच रहे होंगे कि सर राजस्थान से मनरेगा कहां चले गए, मैं इस वजह से चला गया। दोस्तों आज एक और न्यूज है जो हम वन लाइनर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जिक्र चला है तो पहले ही बता दूं कि भाई आज तक हमने मनरेगा में गांव में 100 दिन का काम है वहां पर बीपीएल फैमिलीज को देते हुए सुना था, लेकिन एक बड़ी अच्छी स्कीम जो है अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों राजीव गांधी जी के नाम से शुरू की है, जिसमें 100 दिन का काम अर्बन एरियाज में, शहरों में भी दिया जाएगा, लेकिन ये स्कीम राजस्थान की है और राजस्थान तक है, लिमिटेड रहेगी, इसका भी जिक्र आगे चलेगा। तो चलते हैं, और रूरल ओलंपिक्स है ये हर गांव में, मतलब स्टेट के अलग अलग है, जैसे पंजाब में अभी बठिंडा में हो रही है, राजस्थान में भी है दोस्तों, राजीव गांधी के नाम से रूरल जो ओलंपिक्स हैं उनकी शुरुआत की गई थी। और भाई चलते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजस्थान ने अपनी पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी इसकी शुरुआत की है, गवर्नमेंट अनाउंस इट्स पहली सिनेमैटिक टूरिज्म। का मतलब है कि भाई सिनेमा के लोग आकर यहाँ पर शूटिंग करें, जिस वजह से टूरिज्म बढ़े, जिस वजह से स्टेट की जो टैक्स कलेक्शन बढ़े, तो ये पर्पज है राजस्थान का। और ये जो पॉलिसी है दोस्तों 2022 से 2027 तक 5 साल के लिए इफेक्टिव रहेगी। तो आप बताएंगे एन करेक्ट कौन सा है, तो पहला, दूसरा, दोनों ठीक या दोनों गलत। तो इसका उत्तर देखें, सिर्फ दूसरा ठीक है, और भाई इसका मतलब राजस्थान नहीं है, ठीक है, या फिर ये जो है सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी नहीं, किसी और पॉलिसी की बात करते हैं। तो भाई उत्तर जो है दोस्तों वो है कि पॉलिसी तो सेम ही है, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी, लेकिन इसकी शुरुआत दोस्तों गुजरात ने की है, ना कि राजस्थान ने, और इसकी शुरुआत अहमदाबाद में जो है की गई है, अहमदाबाद, जो कि दोस्तों भारत के मतलब सबसे डेवलप्ड सिटीज में से एक है। और इट विल ऑल्सो ब्रिंग ऑल द सर्विस, मतलब इसमें कहा गया कि भाई जो भी शूटिंग को लेकर, फिल्म मेकिंग को लेकर, जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स, जो भी फैसिलिटीज की जरूरत है, उनको यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से ये टूरिज्म में बढ़ने की आशंका है। स्कीम एम्स टू प्रमोट सिनेमैटिक टूरिज्म, डेवलपमेंट ऑफ फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज। जैसे कुछ ही महीने पहले, काफी महीने हो गए, उत्तर प्रदेश के योगी जी ने भी कहा था कि नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाएंगे। ऑलरेडी भारत में फिल्म सिटीज ज्यादा नहीं है, बॉम्बे में है दोस्तों, हैदराबाद में है, और छोटी छोटी और भी है, लेकिन बड़े स्तर पर यही बॉम्बे और जो है हैदराबाद की ही फिल्म सिटी है उसे माना जाता है। अब कई और स्टेट भी, जिसमें अभी बात की मैंने, गुजरात की, यूपी भी जो है अब इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी इसका नाम रखा है, और भाई इस पर्पज से गुजरात की गवर्नमेंट ने 1022 करोड़ का जो है भाई अलग अलग जो दोस्तों फिल्म इन्वेस्टर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जिसमें से अजय देवगन की कंपनी भी एक है, तो ये 1022 करोड़ का ये टाइप है ये वहां की जो गवर्नमेंट ने दोस्तों किया है। यहां पर पूछना चाहूंगा गुजरात के फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है, और दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस साल के अंत तक दोस्तों हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात में भी विधानसभा का इलेक्शन है, वो होने वाला है, याद रखें, महत्वपूर्ण है। और इससे पहले इस साल में 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, गोवा है और मणिपुर है, और अंत में गुजरात और हिमाचल। हिमाचल की विधानसभा सीट्स की जो स्ट्रेंथ है वो 90 है, माफ कीजिए 68 है, और गुजरात में ये जो स्ट्रेंथ है कितनी है, साथ साथ आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और भूपेंद्र पटेल जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री साहब का नाम है, बहुत ही बढ़िया। अटल ब्रिज जो है साबरमती रिवर पर, और जब भी गुजरात का नाम सुनते हैं तो भाई बिल्किंस बानो केस याद आ जाता है, आई होप शी गेट द जस्टिस शी डिजर्व, बहुत ही बढ़िया दर्पण। और यहाँ पर जो है सुमन प्रधान, अटल ब्रिज जो है अहमदाबाद, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 182 गुजरात, ठीक है। तो भाई इन दो का आपको जो है नंबर ऑफ सीट्स भी जरूर पता हो। फिर तीसरा जो प्रश्न है वो हमारा सीधा सा क्वेश्चन है डिफेंस एक्सरसाइजेस को लेकर, कि भाई ये यहीं पर हुई हैं एक्सरसाइज, पर्वत प्रहार लद्दाख, वज्र प्रहार चंबा, उद्रा शक्ति मलेशिया। तो यहाँ पर करेक्ट बताएं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या तीनों ही पॉइंट्स इससे जुड़े हुए दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं, जल्दी से भाई। कई विद्यार्थी मुझे कह भी रहे थे भाई एक दो दिन में ही आपको पूरी लिस्ट भी देने वाला हूं, और इसमें हम बात करें दोस्तों सभी पॉइंट्स बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त हैं। इनकी जो प्लेसेस ऑफ एक्सरसाइज है नाम जरूर याद रखें, पर्वत पहाड़, वज्र प्रहार और रुद्रा शक्ति, लद्दाख, चंबा, और खासतौर पर दोस्तों ये चंबा
वज्र प्रहार 2022 क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हुई है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि ये एक एक्सरसाइज दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज पर्वत प्रहार लद्दाख में हुई है रिसेंटली ही, और भाई इसमें जो है ऑल मेजर इंडक्शन ऑफ द आर्मी जो है यहां पर आए और उन्होंने जो है 14,000 फीट के ऊपर ये एक्सरसाइज है कि न्यूली इंडक्टेड बड़े सारे और जो व्हीकल्स थे, ट्रांसपोर्ट थे, जो डिफेंस से जुड़े हुए, जो आज तक है दोस्तों जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी उनको भी जो है इस ट्रेनिंग में, इस एक्सरसाइज में यूज किया गया। चिनोक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, मतलब ये आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले इसको हमारी एयरफोर्स में इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा K9 वज्र होटजर अमंग अदर्स एक्सरसाइज कम्स एंड इंडिया एंड चाइना अंडरटेकिंग डिस एंगेजमेंट फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन ईस्टर्न लद्दाख एज अनाउंस ऑन September 8, 2022। तो दोस्तों ये भारत और जो चाइना के बीच जहां पर एक्सरसाइज उससे कुछ ही दूरी पे जो है कुछ महीने पहले जो है जो मुठभेड़ हुई थी, अब वहां पर और ज्यादा जो है चौकसी जो है हो सके और ज्यादा हम वहां पर मजबूत हो सके, उस पर्पज से ये एक्सरसाइज है यहां पर की जा रही है। तो लद्दाख से ऑलरेडी एक प्रश्न हमने पढ़ा भाई, पहला यूटी होगा जो ऑर्गेनिक, साथ ही साथ भारत और चाइना दोस्तों रशिया में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही पढ़ा था जहां पर हमारी आर्मी और दोस्तों हमारी जो इन्फेंट्री के साथ साथ हमारी जो एयरफोर्स है वो हिस्सा ले रही है। क्या आप मुझे उस एक्सरसाइज का नाम बता सकते हैं? पूछने से पहले ही पूर्वा ने, मानसी ने, राहुल ने, मनिंदर ने और मानसी सभी ने पहले ही बता दिया। बहुत ही बढ़िया, वोस्तोक जो है उसको नाम है दिया गया है। और स्नो ईटर वेंट्स इन नॉर्थ अमेरिका। फिर उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो जुड़ा है दोस्तों एक साइंस टेक से। जापान की जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है राइकेन, जैसे दोस्तों भारत में साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारी, हमारी IITs हैं, IIC बेंगलुरु है, वैसे ही वहां का एक इंस्टीट्यूट है राइकेन, उसने एक जो है दोस्तों साइबोर कॉकरेच क्रिएट किया है। अब ये कॉकरेच वो असली वाला कॉकरेच है दोस्तों, एक आप ले लीजिए एक इतना का ये गैजेट है। अब ये क्या काम करते हैं, दैट आर पार्ट इंसेक्ट एंड पार्ट मशीन। और भाई दूसरा पॉइंट है दे विल कंडक्ट सर्विलेंस, इससे फायदा क्या होगा इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है। इन प्रोसीजर लाइक भाई शहरों में किसी बात की दोस्तों कोई रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन करना हो, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग या इंस्पेक्शन करनी हो, स्पेशली दोस्तों जहां पर ह्यूमंस को खतरा हो सकता है, ह्यूमंस का जाना मुश्किल हो सकता है, तो भाई यहां पर करेक्ट की बात करें दोनों बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल ठीक। और भाई ये जो जो काय बोर कॉकरेच है इसकी तस्वीर भी देख लें, ठीक है, क्योंकि ये कॉकरेच के जैसा दिखता है इस वजह से इसका ये नाम रखा गया है। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर बड़ी सारी जो है लड़कियां भी होंगी और भाई वो बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है, तो भाई ये जो है असली का कॉकरेज नहीं है, ये उसके जैसा बनाया गया है। तो इंटरनेशनल टीम इसका जो है टीम ऑफ रिसर्च लेड बाय जापान साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस राइकेन क्लस्टर फॉर पायनियरिंग रिसर्च, तो इसने इस सिस्टम का जो है आविष्कार किया है और मकसद साफ है ताकि भाई बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशन जहां पर ह्यूमंस का जाना असंभव हो या फिर बड़ा सारा डेंजरस हो, तो वह उस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। और वेरी गुड नेक सिंह, हैंड टू हैंड ये आप एक्सरसाइज का नाम बता रहे हैं, चाइना के साथ ही है। और भाई इसके साथ ही साथ जो है इश्तानी भी जो है मैंने भी उत्तर दे दिया था, सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों ही बिल्कुल दुरुस्त हैं बिल्कुल ठीक हैं जी। तो यहां पर जो है हाँ जी बहुत ही बढ़िया, फिर चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला जो क्वेश्चन है ये जुड़ा है हमारा कुछ समिट से, इंटरनेशनल समिट्स। अब एक समिट APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन G20 आपको सभी को पता है, और तीसरा वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल ग्लोबल समिट। अब इनके प्लेसेस है आप बताएंगे सही है कि गलत। तो APEC इंडोनेशिया में, G20 थाईलैंड में और वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल ग्लोबल समिट सऊदी अरेबिया में। तो भाई मुझे लगता है सारे विद्यार्थी जो है एक बात पे तो सारे सहमत होंगे कि सर G20 तो गलत लग रहा है, G20 तो थाईलैंड में नहीं है, क्योंकि भारत भी ट्रॉयका का हिस्सा है, अगले वर्ष ये भारत में होगी, इस वर्ष वो इंडोनेशिया में हो रही है ना। तो भाई यहां पर उत्तर जो है दर्पण मानसी सी दे रहे हैं और इसका उत्तर दोस्तों सी है, मतलब सिर्फ तीसरी ही करेक्ट है और पहली दूसरी गलत, क्योंकि इसको हम इस तरह से लेकर जा सकते हैं, मतलब G20 इंडोनेशिया और APEC इस साल जो हो रही है वो थाईलैंड में है, उसका आयोजन हो रहा है इस साल, उसका जो थीम है दैट इज ओपन कनेक्ट बैलेंस। मैं रिपीट कर दूं, इसका जो थीम है दैट इज ओपन कनेक्ट बैलेंस, कभी कभार ये आ जाया करते हैं। और ये जो APEC की मीटिंग है दोस्तों इसका 33वां जो एडिशन है इस बार थाईलैंड में इसका आयोजन हो रहा है, और मीटिंग जो है दोस्तों ये अगर हम बात करें ट्रेड को, ट्रेड पर्पज से, कमर्स पर्पज से जो है और ज्यादा
जो इन एशिया के जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ जुड़ सके, जो है दोस्तों वो जो है उस पर्पज से इसकी शुरुआत की गई। और खास तौर पे कोविड के बाद जो है जिस तरह की स्थिति आई गई है, इस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लोजिंग द इकोनॉमी एंड एमिड कोविड पेंडेमिक मेंबर्स नेशन ऑफ पैक आर एस्पायरिंग टू रीगेन द इकोनॉमिक कनेक्ट देयर इकोनॉमी सो कीपिंग विद द सेंटीमेंट्स ऑफ द मेंबर्स 2022 समिट इज बेस्ड ऑन द ओपन कनेक्ट बैलेंस। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इसका थीम भी वैसा ही ओपन कनेक्ट एंड बैलेंस जो है, तभी बैलेंस हो सकती हैं चीजें अगर हम दोबारा से एक दूसरे के साथ है कनेक्ट हो पाएंगे। तो एशिया और पैसिफिक नेशंस के दोस्तों कुछ नेशंस जो इसका हिस्सा है, भारत जो है इसका परमानेंट मेंबर है फिलहाल नहीं है, ये जरूर याद रखें। और आज का सातवां प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सी जो शिप बिल्डर है, शिप बिल्डर का मतलब कि भाई ये कंपनीज हैं दोस्तों जो शिप्स का निर्माण करती हैं, जैसे मजगांव डोक शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, या गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड। जैसे अगर आपको याद हो कि भाई अब कभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था INS जो है अरिहंत जो है दोस्तों हमारा पहला जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, मैं नाम जो है उनका क्या था, नाम जल्दी से मुझे बताएं, वैसे पूर्वा ने पहले उत्तर ही दे दिया, विक्रांत। हाँ जी, तो विक्रांत का जैसे निर्माण है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था, ठीक है। तो वैसे ही जो है हम बात कर रहे हैं कि ये जो शिप बिल्डर्स की कंपनियां हैं, तो भाई अब ये जो तीसरा भारत का स्टील फ्रिगेट, अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर स्टील फ्रिगेट का मतलब, दोस्तों स्टील फ्रिगेट जो है एक तरह का खास तरह का जो है एक मेटल है, और ये जो शिप्स हैं इस मेटल से बनाए जाते हैं, और खास तौर पे इसकी विशेषता ये है कि ये डिटेक्ट नहीं हो पाते जो भी हमारे दुश्मन देश या जो विदेशी कंट्रीज हैं उनके जो रडार सिस्टम्स हैं, तो उनसे जल्दी जल्दी इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो स्टील फ्रिगेट है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A के तहत, जिसका नाम रखा है तारागिरी, तो किसने इसका निर्माण किया है, तो इसका जो निर्माण है मजगांव डोक शिपयार्ड्स लिमिटेड ने इसका नाम जो है इसका निर्माण किया है, MDS भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी तस्वीर देख लीजिए दोस्तों MD इस तारागिरी की, और यहां पर लिखा भी है मैंने स्टील फ्रिगेट्स आर द शिप्स दैट यूज स्टील टेक्नोलॉजी, ये स्टील टेक्नोलॉजी से जो इसका निर्माण है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ताकि इसकी डिटेक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल से है दोस्तों, रडार से इंफ्रारेड मेथड से या सुनार या विजुअल मेथड से है, बड़ी मुश्किल है हो पाए। तो नाम जो है तारागिरी है, और इसके बारे में थोड़ी विशेषताएं, जैसे कि भाई इसका जो वेट है वो 3510 टन है, और इसको भारतीय नेवी ने है दोस्तों, भारत में ही ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन है इसका डिजाइन है किया है। फिर ये 149 मीटर लॉन्ग है, 17 मीटर वाइड है, एंड प्रोपेल्ड बाय 100 कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 गैस टरबाइन एंड 2 मेन डीजल इंजन। तो इसकी विशेषताएं कुछ यहां पर बताई गई हैं, और ये जो तारागिरी है दोस्तों ये 2020 में जो है इसका काम शुरू हुआ था, एंड शिप इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर बाय अगस्त 2025, और भारतीय नेवी में ये 2025 में है इसको पूरी तरह इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो नाम जरूर याद रखें, और कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसका भी नाम है साथ साथ जरूर याद रखना है। बच्चे बता रहे हैं कि सर स्टील टेक्नोलॉजी टू अवॉइड रडार, हाँ जी, और फ्रिगेट का अर्थ है तुरंत हमला करने को तैयार, हाँ जी। तो भाई यहां पर जो हम बात कर रहे थे दोस्तों, तुरंत हमला करने को तैयार, और इसकी मूवमेंट बाकी में बहुत तेज होती है, बिल्कुल। और तो यहां पर जो है भाई उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर है ये जो है जो यहां पर बात की जाती है, ताकि किसी भी तरह की युद्ध के टाइम पीरियड में इसकी डिटेक्शन है जल्दी से जल्दी ना हो सके। फिर आज का जो आखिरी जो प्रश्न है वो है ज्यूरिख, ये दोस्तों शहर है स्विट्जरलैंड का, यहाँ पर भी एक डायमंड लीग मतलब जो एथलेटिक्स की कई जो है जो चैंपियनशिप हुई है उसमें से जो है हमारी जेवलिन थ्रो की भी दोस्तों चैंपियनशिप थी, और उसमें एक बार फिर हमारे स्टार प्लेयर हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने है इतिहास रच दिया, और यहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल है जीत लिया दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन नीरज चोपड़ा जो है अचीव डेट अनदर हिस्टोरिक फिट। इससे पहले कुछ ही दिन पहले US में जो चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों, वहां पर भी उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, और अब जो है उसके बाद हमने देखा कि हमारे दोस्तों कॉमनवेल्थ में जो अपनी इंजरी की वजह से वो हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन यहाँ पर जो ये जो गोल्डन मैं फिर रिपीट कर दूं, इस टूर्नामेंट का नाम डायमंड लीग जो फाइनल है मैंने गोल्ड लिख दिया, तो उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर है इतिहास रच दिया है। उसके बाद जो है हम चलेंगे अदर इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स पर, और दोस्तों ये बड़े महत्वपूर्ण है, कुछ हमने कर भी लिए और जो कुछ नहीं किए उनको जो है अब हम रीड आउट करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक का सारा सेशन अच्छे से आपको समझ
आ चुका होगा, यहां तक का सारा सेशन आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा बिल्कुल। और भाई ये जो है फीफा का हेडक्वार्टर भी है, सपना ठाकुर ने बिल्कुल सही लिखा है। और सर प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि भाई लंपी वायरस के लिए वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बना लिया है। हाँ जी ठीक है, और भाई इसका ट्रायल भी सफल, बहुत ही बढ़िया। यहां पर मैं सभी विद्यार्थियों को जो है वन लाइनर्स के पहले ये भी बताना चाहूंगा कि भाई विद्यार्थियों आज से हम जो सिविल सेक्रेटरी मतलब सैटरडे से हमारा शुरू हो चुके हैं सेशन, सिविल सेक्रेट का जो एग्जाम बच्चे देना चाहते हैं और भी कोई एग्जाम देना चाहो उनके लिए स्पेशल जो है हम बैचेस अपनी शुरुआत की है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर जिसका समय है 7 से जो है शाम को 9:30 तक ये चलेंगे। तो भाई मैं जल्दी से है ये शुरू खत्म करूंगा सेशन वन लाइनर्स को पढ़ के, उसके बाद जो है आज बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है भूपेंद्र सर है आपके साथ लेने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले दोस्तों यूएस ओपन है, ये खत्म हो चुका है यूएस ओपन, हमारे 4 जो ग्रैंड स्लैम है वर्ष के, जिसमें पहला ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर दोस्तों उसके बाद विंबलडन और लास्ट यूएस। तो यूएस के चारों जो विनर्स हैं यहाँ लिखे हैं, जैसे कि भाई अगर मैं बात करूं दोस्तों वुमेन जो फीमेल्स में, तो भाई जो पोलैंड की लड़की है इगा स्वाटिक, उनका नाम अभी सीधा सीधा मुझे दिखाई नहीं दे रहा भाई, जो है सीधा सीधा क्यों नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर जो है, हाँ जी यहाँ पर, हाँ जी ये आ गया नाम इगा स्वाटिक का दोस्तों, इन्होंने फीमेल वर्जन जीता है। फिर स्पेन के 19 वर्ष के लड़के कार्लोस, ये कमाल कर दिया, सिर्फ 19 साल के लड़के ने दोस्तों कार्लोस ने है इनका मेल वर्जन जीता है। अगर मैं जो है डबल्स की बात करूं मेल्स में राजीव और ज्वाय, और दोस्तों फीमेल्स की बात करूं डबल्स की बारबूरा एंड कैटरीना ने जो है इस साल का यूएस ओपन जीत लिया है। तो ये चारों नाम कम से कम मेल्स और फीमेल तो जरूर याद रखें, कार्लोस और दूसरा जो नाम है इगा स्वाटिक। पहली बार है कि पोलैंड की किसी प्लेयर ने, वुमेन प्लेयर ने यूएस ओपन है वो जीता है। फिर बिहार के मुख्यमंत्री ने दोस्तों देश का सबसे बड़ा रबड़ एंड स्टील ब्रिज, जिसका नाम जो दोस्तों जो कि फाल्गु रिवर के ऊपर स्थित है और उसका जो है अनावरण किया है, इसकी जो है फाउंडेशन है 2020 में रखी गई थी और अब जो है इसका अनावरण है मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया और ये देश का सबसे बड़ा रबड़ एंड स्टील ब्रिज है। फिर प्रेसिडेंट ने जो है गुलाम नबी आजाद को नॉमिनेट कर दिया है, आपको पता ही बता ही दिया। फिर राजस्थान ने दोस्तों इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, शहरों में गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार वाली स्कीम है लॉन्च की है, जिसका मैं अभी है जिक्र किया था। फिर द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य, आज 99 साल की उम्र में दोस्तों स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन है हो गया है, बड़ी ही जो दोस्तों बड़ी हस्ती थे जो है, और ये द्वारका पीठ के शंकराचार्य भी थे। फिर आर्मी ने एक्सरसाइज पर्वत पहाड़ लद्दाख में जो है उसका आयोजन किया है, जिसका हम जिक्र एक बार कर भी चुके हैं। और कर्नाटका ने दोस्तों गुवाहाटी में होने वाली 75th सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप, मतलब वोटर से जुड़े हुए बहुत सारे जो गेम्स हैं उसको जीत कर जो है दोस्तों जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। तो इसी के साथ आज का जो समाचार है वो खत्म, अभी आज हम रिवीजन नहीं करेंगे और क्योंकि थोड़ा सा जो है मुझे जल्दी है, जल्दी इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि 4-5 मिनट का गैप मिल जाए आपको भी, और भाई 7 बजे जो है जीएस की क्लास होगी दोस्तों, स्पेशली जो बच्चे सिविल सेक्रेटरी का जो एग्जाम है इस संडे देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।